नमस्कार, मैं हूं पत्रकार रिफत नसीम और आप देख रहे हैं रवजी लाइव। खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां रोहतास एसपी श्री आशीष भारती ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पिछले दिनों भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव की बेटी का फोटो लगाकर गाना गाने वाले तथाकथित गायक पंकज सिंह को रोहतास पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए रोहतास एसपी ने बताया कि पंकज सेन एवं अन्य के द्वारा एक नाबालिग लड़की का आपत्तिजनक फोटो का प्रयोग करते हुए अश्लील गाना गाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। रोहतास पुलिस के द्वारा लगातार जिले में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और भानस ओपी अंतर्गत एक कांड दर्ज कराया गया था, जिसमें एक नाबालिग लड़की का नाम और आपत्तिजनक फोटो का उपयोग करते हुए एक अश्लील गाना ला करके सोशल मीडिया पर उसको अपलोड किया गया था तथा वायरल किया गया था कुछ लोगों के द्वारा। इस मामले में भानस ओपी कांड संख्या 292/22 दर्ज किया गया है। इस मामले में के कारण ये देखा जा रहा था कि दो पक्षों के बीच में विवाद बढ़ रहा था। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा इसमें जो भी अपराधकर्मी शामिल थे उनकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ विक्रमगंज के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सर्कल इंस्पेक्टर विक्रमगंज, एसएचओ भानस तथा अन्य पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों की एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिनके द्वारा इस मामले में मानवीय तथा तकनीकी अनुसंधान करते हुए अपराधकर्मी के विरुद्ध साक्ष्य संकलन एवं गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई की जा रही थी। जो अपराधकर्मी थे वो पुलिस के डर से भागे फिर रहे थे। इस संबंध में यह जानकारी मिली कि जो अपराधकर्मी हैं वो पंजाब में छुपे हुए हैं, तो पुलिस टीम को यहाँ से भेजा गया और पुलिस टीम के द्वारा वहाँ से अपराधकर्मी पंकज सिंह को, जो कि डोइया गांव के रहने वाला है तथा भानस ओपी में पड़ता है, उसको एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त अपराधकर्मी के द्वारा इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया है तथा इसमें एक अन्य अपराधकर्मी के विरुद्ध भी मामला दर्ज कराया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। तो इस मामले में एक अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई है, एक मोबाइल बरामद किया गया है तथा एक अन्य अपराधकर्मी की भी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी तथा इस पूरे मामले में अनुसंधान तथा गिरफ्तारी में जो शामिल पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको। इस संबंध में पीड़ित पक्ष के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर भानस ओपी में पॉस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद रोहतास पुलिस ने उसे पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पंकज सिंह भानस ओपी अंतर्गत डोडिया गांव का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल भी बरामद किया है। ये वही पंकज सिंह है जो पिछले दिनों भोजपुरी फिल्म अभिनेता एवं गायक खेसारी लाल के बेटी पर गाना गाया था, जिसके बाद भी काफी विवाद हुआ था। पुलिस ने फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।